नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ नीलम साहू। अब कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आने की संभावना है। सुरक्षा के सारे नियम अपनाएं, भीड़ से बचें, मास्क और सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें और एहतियातन सभी टीके समय पर लगाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के दिए निर्देश। बस्तर चैलेंजर्स फुटबॉल चैंपियनशिप में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर टीम ने एनएफसी बचेली को पराजित कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा अंश राशि देने की मांग की बीजेपी ने। और बस्तर के लव्य ज्योति ऑल इंडिया चेस अंडर 13 में बने उप विजेता। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से धान खरीदी प्रारंभ किया गया है। बस्तर संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने धान खरीदी के लिए बनाए गए नोडल अधिकारियों की बैठक ली और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संभाग आयुक्त ने धान खरीदी व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्रों में प्रतिदिन निरीक्षण कर अवैध रूप से बेचे जाने वाले धान को जब्त करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। बिचौलियों के द्वारा खरीदे गए धान जो किसानों के माध्यम से धान उपार्जन केंद्र में बिक्री करने के प्रयास करते हैं, उन्हें रोकने के लिए निर्देश भी उन्होंने दिए। कमिश्नर श्री चुरेंद्र ने धान खरीदी केंद्र में नमी मापक यंत्र, बारदाने, बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था और खरीदी केंद्रों में साप्ताहिक साफ सफाई कराना सुनिश्चित करने के लिए नोडल अधिकारियों को निर्देशित किए। कमिश्नर ने मंडी प्रांगण में राइस मिलर्स और व्यापारियों की बैठक लेकर धान उठाव संबंधित विस्तृत चर्चा की। उन्होंने जिला विपणन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि धान का उठाव समय सीमा में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने धान खरीदी केंद्र में प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और हल्का पटवारी की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले लघु किसानों का धान एक बार के टोकन में बिक्री कराकर उनसे दोबारा धान नहीं बेचने का प्रमाण पत्र भी लें। बस्तर की बात, जगदलपुर। नगर निगम कार्यालय में शुक्रवार को सफीरा साहू की अध्यक्षता में महापौर परिषद MIC की बैठक हुई। MIC की महत्वपूर्ण बैठक में शहर विकास, मूलभूत सुविधाओं और राजस्व विभाग के संबंध में महत्वपूर्ण विषयों को स्वीकृत किया गया। बैठक में सभापति कविता साहू, MIC सदस्य यशवर्धन राव और निगमायुक्त प्रेम कुमार पटेल के अलावा कई पार्षदगण मौजूद थे। MIC की बैठक में महापौर और MIC के सदस्यों ने 39 विषयों पर विस्तृत चर्चा की। 39 विषयों में 38 विषयों को स्वीकृत किया, साथ ही एक विषय को आगामी MIC की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। वही 9 विषयों को MIC से अनुशंसा कर सामान्य सभा में भेजा गया। MIC की बैठक में कर्मचारियों की पदोन्नति, गंगा मुंडा तालाब सौंदर्यीकरण की कार्य योजना, घाट CC सड़क निर्माण, शहर के ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने, बड़े नालों का निर्माण कार्य जैसी योजनाओं को स्वीकृत किया गया। सिटी ग्राउंड के पास दुकानों का निर्माण, सिरासार चौपाटी के विकास कार्य, वार्डों के निर्माण कार्य का स्थल परिवर्तन करने, राजस्व विभाग से दुकानों, वीर सावरकर भवन, टाउन हॉल, शासकीय आयोजन के लिए किराया निर्धारण और अन्य विषयों जैसे स्वच्छता विभाग के महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके बाद स्वीकृति दी गई। महापौर सफीरा साहू ने बैठक में कहा, गढ़बो नवा जगदलपुर की परिकल्पना को साकार करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। सभी के प्रयास से हम जगदलपुर शहर को विकास की ओर अग्रसर करेंगे कि मूलभूत सुविधाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर 10 दिसंबर को जय स्तंभ चौक गोल बाजार जगदलपुर में शाम 5:30 बजे से सेवा अर्जी कार्यक्रम का आयोजन कर उनके द्वारा किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया। प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा अंश राशि देने की मांग की बीजेपी ने।
नायाब तहसीलदार श्री दास को सौंपा ज्ञापन। जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और नगरनार मंडल अध्यक्ष सुब्रतो विश्वास के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी नानगुर मंडल के तत्वाधान में जिला पंचायत सदस्य धर्मू मंडावी के मार्गदर्शन में और भाजयुमो के ऊर्जावान युवाओं की उपस्थिति में ग्राम पंचायत नानगुर में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने में मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने कहा कि राजनीति देश के चलते कांग्रेस नहीं चाहती कि गरीबों का प्रधानमंत्री आवास बने। उनको डर है कि प्रधानमंत्री आवास बनने से भाजपा और प्रधानमंत्री जी का नाम होगा। जनपद पंचायत जगदलपुर उपाध्यक्ष सुब्रतो विश्वास ने कहा कि राज्य की सरकार गरीबों के सपनों के साथ खिलवाड़ ना करें। प्रधानमंत्री आवास गरीबों का सपना है। उन्होंने कहा कि जगदलपुर जनपद पंचायत क्षेत्र के सभी सुपात्रों को आवास दिलाना मेरा दायित्व है। जिला पंचायत सदस्य धर्मू मंडावी ने कहा कि गरीबों के हित में राज्य सरकार अपने राज्यांश की राशि जल्द जारी करे ताकि लोगों के आवास का सपना पूरा हो सके। वक्ताओं के रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने धरना को संबोधित करते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जगदलपुर में 10 दिसंबर को विधि विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर वी विजय लक्ष्मी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, मुख्य अतिथि रही जिला विधिक प्राधिकरण की व्यवहार न्यायाधीश सचिव सुश्री गीता ब्रिज। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम व्यवहार न्यायाधीश अजय कुमार मीणा और मनीष कुमार ठाकुर उपस्थित रहे। कंगोली स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय और वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय में संयुक्त रूप से हमारे देश के प्रथम सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए अन्य वीर सैनिकों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की और उन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान वेदमाता गायत्री शिक्षण संस्थान के पदाधिकारी, शिक्षकगण और विद्यार्थी काफी संख्या में उपस्थित हुए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे, अब होगी हर बात हमारे साथ। बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। स्थानीय सिटी ग्राउंड मैदान में बस्तर चैलेंजर संभाग स्तरीय नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की टीम ने 6-5 से NFC बचेली टीम को पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। इस रोमांचक मैच का निर्णय पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा हुआ।
उपस्थित अतिथियों के हाथों विजेता उपविजेता टीम के साथ उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। सिटी ग्राउंड की दुधिया रोशनी में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर और एनएफसी बचेली टीम की खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया। खेल के अंतिम क्षण तक मैच में रोमांच बना रहा और काफी संख्या में उपस्थित फुटबॉल प्रेमी दर्शकों ने आखिरी तक मैच का आनंद लिया। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी आक्रामक खेल का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे की गोल पोस्ट पर आक्रमण जारी रखे हुए थे। खेल के 20 मिनट में एनएफसी बचेली के टीम के खिलाड़ी ने आकर्षक गोल दागकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। मैच को बराबरी पर लाने के लिए नारायणपुर की टीम प्रयास करती रही। कई अवसर भी मिले लेकिन वे गोल नहीं कर पाए। खेल के अंतिम क्षण तक 1-0 से एनएफसी बचेली की टीम आगे चल रही थी, लेकिन अंतिम चरण में जब खेल के 30 सेकंड ही बचे थे तब नारायणपुर टीम को एक पेनाल्टी मिली जिसे गोल में तब्दील कर नारायणपुर की टीम मैच में 1-1 की बराबरी पर वापस लौटी। इसके बाद मैच का निर्णय पेनाल्टी शूटआउट के द्वारा हुआ। नारायणपुर टीम के द्वारा पांचों पेनाल्टी शूटआउट को गोल में बदला गया। वहीं एनएफसी बचेली टीम के एक खिलाड़ी गोल करने में सफल नहीं हो पाए। नारायणपुर के गोलकीपर ने एक पेनाल्टी शूटआउट को रोककर अपनी टीम को जीत दिलाई। इस तरह से 6-5 से रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर की टीम मैच जीतकर बस्तर चैलेंजर्स ट्रॉफी को अपने नाम किया। पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के आसंदी से महापौर शफीरा शाहू ने कहा कि दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने आकर्षक खेल का प्रदर्शन किया और अंतिम क्षण तक फुटबॉल प्रेमी दर्शकों को बांधे रखा। उन्होंने दोनों ही टीम के खिलाड़ियों को अच्छे खेल के लिए बधाई दी। विजेता टीम रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर को आकर्षक कप के साथ 51,000 रुपये और उपविजेता टीम को कप के साथ 31,000 रुपये पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में यंग स्टार के जान प्रतीक को बेस्ट प्लेयर, पावर पार्क नरहरपुर टीम के खिलाड़ी त्रिलोक को बेस्ट गोलकीपर, फुटबॉल अकेडमी के खिलाड़ी रोहित जगत को बेस्ट डिफेंस, एनएफसी बचेली टीम के गौरव को बेस्ट मिडफील्ड और बचेली टीम के प्रणव मंडावी को प्रतियोगिता में 6 गोल करने के लिए बेस्ट स्कोरर चुना गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर टीम के जर्सी नंबर 5 के खिलाड़ी सुरेश ध्रुव को चुना गया। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच नारायणपुर टीम के जर्सी नंबर 15 के खिलाड़ी को चुना गया। हाल ही में विज्ञान प्रोजेक्ट के लिए बस्तर की छात्राओं का चुनाव राष्ट्र स्तर पर हुआ है। वहीं शतरंज में भी बस्तर के लव्य ज्योति रावतरे ने अंडर 13 उपविजेता का खिताब हासिल किया। डीपीएस जगदलपुर में अध्ययनरत लव्य ज्योति राउतरे ने विशाखापट्टनम में संपन्न हुई ऑल इंडिया ओपन रेटिंग चेस प्रतियोगिता में अंडर 13 में दूसरा स्थान पाकर बस्तर को गौरवान्वित किया है। इसके पूर्व भी लव्य ज्योति ने वर्चुअल अंडर 14 में प्रथम स्थान हासिल किया था। शालेय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में भी वे नेशनल के लिए चुने गए थे। उनके पिता एनएमडीसी में कार्यरत हैं और माता डीपीएस में शिक्षिका हैं। शतरंज संघ के संयुक्त सचिव शशांक श्रीधर ने प्रसन्नता के साथ जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर में लव्य ज्योति जैसे खिलाड़ियों से प्रेरित होकर और भी उभरते हुए खिलाड़ी बस्तर का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में प्रतियोगिताओं के साथ बस्तर में प्रशिक्षण की भी योजना पर विचार किया जा रहा है। शतरंज संघ के सभी पदाधिकारियों के साथ डीपीएस की प्राचार्य श्रीमती सिंह और पूरे स्टाफ ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कमिश्नर ने नोडल अधिकारियों को धान खरीदी केंद्रों का सतत निरीक्षण करने के दिए निर्देश। बस्तर चैलेंजर्स फुटबॉल चैंपियनशिप में रामकृष्ण मिशन नारायणपुर टीम ने एनएफसी बचेली को पराजित कर ट्रॉफी पर किया कब्जा। प्रधानमंत्री आवास के लिए राज्य सरकार द्वारा अंश राशि देने की मांग की बीजेपी ने। और बस्तर के लव्य ज्योति ऑल इंडिया चेस अंडर 13 में बने उपविजेता। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नीलम साहू को नमस्कार।